तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, चाहे IRCTC का वेबसाइट के थ्रू या फिर रेल कनेक्ट ऐप, वहाँ ट्रैवल एजेंट्स को यूज़ करके अगर आप लेते हैं तो आपको IRCTC देता है सिर्फ 0.35% में अप टू 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, A to Z इसके बारे में बात किया हुआ है पहले ही, लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस में आप नॉमिनी कैसे अपडेट करेंगे। जी हाँ, नॉमिनी अपडेट करना इंपॉर्टेंट है। आपका जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस होगा उसके साइट में जाके अपडेट करना पड़ेगा नॉमिनी डिटेल्स। टिकट सक्सेसफुली बन जाने के बाद वो कंपनी आपको SMS या ईमेल करता है और बोलता है कि आप नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट कीजिए, ताकि हादसा होने पर नॉमिनी को इंश्योरेंस क्लेम आसानी से स्मूथली सब कुछ मिल पाए। इस वीडियो में हम लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस का, अगर इंश्योरेंस हुआ है आपका तो उसमें आप कैसे नॉमिनी अपडेट करेंगे वो बताएंगे। हो सकता है आपका SBI का या फिर रॉयल सुंदरम का या फिर और कोई अदर कंपनीज का इंश्योरेंस हुआ है, क्योंकि IRCTC एक से ज्यादा कंपनीज के साथ टाइप करके रखा हुआ है। आपका कौन सा होगा बता पाना मुश्किल है, लेकिन हमने अलग अलग कंपनीज के ऊपर वीडियो बना के दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। तो हमने IRCTC ऐप को ओपन कर लिया है, आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई बुकिंग सेक्शन पे चले जाना है, आपका ट्रेन का टिकट मिल जाए, यहाँ पे क्लिक करके अंदर आ जाइए और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आ जाइए। यहाँ आपको क्लिक हेयर टू फिल द नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके इस पेज में आप आ जाइएगा। यहाँ आप दूसरी तरीके से भी आ सकते हैं, SMS भेजा है वहाँ पे भी आपको लिंक भेजा जाता है, उसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर ईमेल भेजता है, ईमेल पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, जहाँ क्लिक करके आप इस पेज में आके नॉमिनी डिटेल्स को भर सकते हैं। तो क्लिक हेयर करके यहाँ से भी आप आ सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लीज सेलेक्ट करके ऑप्शन है, यहाँ पे PIN नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या फिर ट्रांजेक्शन नंबर, तीनों में से कोई एक को चूज कर लीजिएगा। PIN नंबर को हमने चूज करके डाल दिया है, फिर मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, फिर नीचे कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा को एज इट इज जैसा दिखेगा वैसा भर देना है नीचे, फिर सर्च करना है। इस पेज में आपका डिटेल्स आ जाएगा, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे आपका नॉमिनी डिटेल्स डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। राइट में थोड़ा सा करना है क्योंकि मोबाइल से हम कर रहे हैं, यहाँ पे नॉमिनी का नेम डाल देना है आपको, फिर रिलेशन नॉमिनी के साथ क्या है आपका, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, फादर मदर जो भी आप दे देना, यहाँ पे सेल्फ भी कर सकते हैं, तो हमने डाल दिया है। फिर यहाँ पे नीचे कैप्चा जो दिख रहा है एज इट इज आपको डाल देना है और नीचे सबमिट कर देना है, यहाँ पे कॉन्फर्म करने के लिए बोलेगा, ओके कर देना है, बस आपका काम हो गया। यहाँ पे थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड ऐसा मैसेज आ जाएगा, मतलब आपका हो गया है। हाँ, यहाँ पे SBI की तरह आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ये चीज को कॉन्फर्म करने के लिए हमने लिबर्टी कस्टमर केयर पे कॉल भी किया था कि ऐसा डाउनलोड का कोई ऑप्शन है क्या, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मैसेज आया आपका शो हो गया है, बस यही है, मतलब आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और ये हमारे रिकॉर्ड में है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो हो गया, लेकिन मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ जिसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब आप टिकट कर लेते हैं, ऑनलाइन टिकट बना लेने के बाद आपको नॉमिनी डिटेल्स जर्नी शुरू होने से पहले भरना है। जर्नी अगर शुरू हो गया ट्रेन का तो आप नहीं भर सकते, नॉमिनी डिटेल्स आपको भरने को नहीं दिया जाएगा। ये क्या क्या बेनिफिट देता है, क्या क्या कवर करता है वो भी बता देते हैं। एक्सीडेंटल डेथ के केस में 10 लाख रुपए तक मिलता है, यहाँ पे पूर्ण स्थायी विकलांग के केस में आपको 10 लाख रुपए तक ही मिलता है, स्थायी आंशिक विकलांग के केस में आपको 7.5 लाख रुपए तक मिलता है, चोट वोट लगाए तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक मिलता है। इसके अलावा भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब जो पार्थिव शरीर है उसको लाने के लिए भी परिवहन कॉस्ट मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपए तक इंश्योरेंस कंपनी देता है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के बारे में और भी ज्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप लिबर्टी के कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन सबको चाहिए वो आप पूछ सकते हैं।